हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत टेस्टी हेल्दी रेसिपी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है, जो बहुत ही खास है, खास तौर से आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसे हम बनाते कैसे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे फ्री हैं। और आपके कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्हें पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, मैंने कढ़ाई लिया है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 से 2 बूंदी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, यानी 1 टीस्पून के लगभग इसमें सिर्फ मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे क्रश कर लिए हैं और इस तरह कटिंग करके डालिएगा तो आपका ये जो सूप है बहुत टेस्टी बनेगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पे छोटे साइज का अनियन, रफली चॉप किया हुआ, और इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इन सब्जियों को। ध्यान रखना है कि जब भी आप सूप बना रही हैं तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा आप नहीं पकाना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सब्जियों में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर के विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना होता है कि सब्जियों को देर तक पकाने से सब्जियाँ टेस्टी होती हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा करने से उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसलिए सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाइए। अब यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर। ये देखिए, मैंने एक बड़े साइज के टमाटर रफली चॉप कर लिया है और साथ ही इसमें हम डालेंगे पालक। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश पालक को मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये देखिए, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे मैंने लिया पालक और टमाटर। टमाटर के फायदे और पालक के फायदे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये हमारे वेट को कम करने में काफ़ी सहायक होता है, साथ ही ये हमारे बॉडी को भरपूर मात्रा में आयरन देता है और बहुत सारे पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सॉल्ट यानी कि नमक और इसे एक बार से मिक्स कर लेंगे। ये हेल्दी सूप वेट लॉस के लिए मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सब्जियों को हमें नहीं पकाना है, बस सब्जियाँ बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकती हैं सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, बस ज़्यादा पानी नहीं हमें ऐड करना है, थोड़ा सा ही पानी इसमें मैं डालूंगी, क्योंकि 2 से 3 बॉयल आएगी बस ये हमारा जो सूप है वो रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें और डाल दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, सूप को थोड़ा सा थिक करने के लिए, यानी कि सूप में थोड़ी सी थिकनेस लाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए, कॉर्नफ्लोर पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस तरह भी आप सूप को पी सकती हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जिससे कि इसमें थिकनेस आ जाए थोड़ी सी, और इसे हम डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा हॉट टोमेटो सॉस, थोड़ा सा स्वाद के लिए बहुत ही कम, 1 टीस्पून के लगभग डालना है इसमें, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे, वो है पनीर। इसमें छोटे छोटे पनीर के टुकड़े हम डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम कम पनीर, 50 ग्राम से भी थोड़ा सा कम ही है, और इसे इस तरह इसमें हम डालेंगे। तो ये आपका टेस्टी हेल्दी सा सूप बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म हम इसमें एक चीज़ ऐड करना भूल गई थी मैं, चिल्ली। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चिल्ली ऐड कर सकती हैं, तो सूप थोड़ा चटपटा रहे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिल्ली ऐड कर रही हूँ, इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में कट करके। ये देखिए, अगर आप हेल्दी बना रही हैं और वेट लॉस के लिए बना रही हैं तो आप रेड चिली पाउडर बिल्कुल नहीं डालिए, आप इस तरह मिर्ची कट करके डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर इस तरह करके देखिएगा। तो ये देखिए, तो ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस सूप का एक फ़ायदा ये भी है कि इसे अगर आप चाहें तो आप
इसे खिचड़ी में भी खा सकती हैं, दलिया के साथ खा सकती हैं, या आप इसे रोटी के साथ भी खा सकती हैं, या आप इसे इस तरह प्लेन भी खा सकती हैं। किसी भी तरह खाइए, ये बेस्ट लगेगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल नीलम की रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।